12,460 शिक्षक भर्ती में आखिरकार दोनों टीमों ने मिलकर यह फैसला ले लिया है कि क्या किया जाए। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो अपडेट निकल कर ये आ रही है कि 31 मार्च 2021 को लखनऊ SCERT पर दोनों टीमों के जो मेंबर्स हैं व अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे 0 के 51 के सभी को बुलाया गया है। वहाँ पर विस्तार से वार्ता होगी कि क्या कैसे किया जाए। साथ में SCERT पर अधिकारियों से भी परामर्श लिया जाएगा कि अगर हम कोर्ट केस वापस लेते हैं तो किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या सरकार अपने पुराने रूल पर भर्ती शुरू करेगी या 0-51 दोनों को एक साथ यहाँ पर नौकरी देगी। ये सारे आधार SCERT पर 31 मार्च को प्राप्त हो जाएंगे, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप भी 31 मार्च को सुबह 9 बजे SCERT लखनऊ पहुँचें, चाहे कोई भी हो, 0 जनपद के 51 जनपद के, और वहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के सामने अपनी राय रखें और साथ में वहाँ से आपको हर प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होगी। आसपास के ज़िले के अभ्यर्थी हैं तो आप ज़रूर पहुँचें, क्योंकि वहाँ से आपको एक अच्छी जानकारी मिल सकती है और आप अपना जो यहाँ पर आपका निर्णय है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और उसी के आधार पर यह भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर सरकार अपने आदेश पर भर्ती यहाँ से शुरू करती है तो सबसे पहले 0 को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, फिर सेकेंड काउंसलिंग होगी। लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि दोनों की लिस्ट एक साथ बनाकर एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए। फिलहाल आगे की जो अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन उस अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।